बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, डन। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। आई अभिषेक अकेला, क्लब प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब पटना में रहता हूँ। मीटिंग नंबर 2000 हेयर बाय कॉल टू ऑर्डर। एज थाउजेंड वी, यस सर, 2000। अरे अच्छी एज वी आर ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, सो वी विल स्किप द नेशनल एंथम। एंड एज माई क्लब सेक्रेटरी डॉक्टर रोशन भट्ट इज हैविंग देयर हिज एग्जाम, so he is not in the meeting, so the formality of birthday greetings and wedding anniversary greeting will be read out by me only. Today we have birthday of past president Anand लगता है कि Roongta रुंगटा सर sir, है जस्ट रुंगटा साहब। अ सेकंड, आई एम म्यूटिंग एवरीवन। लगता है उन्हें शुरू की व्हेन एवर यू मीटिंग। वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। रुंगटा सर अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं सर। ऑन 24th ऑफ अक्टूबर वी हैव बर्थडे ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट रविशेखर सिंह। ऑन 26th ऑफ अक्टूबर डॉक्टर चित्रंजन प्रसाद। ऑन 30th ऑफ अक्टूबर पास्ट प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता सर। अच्छा सर, इसीलिए आप शायद बाहर जा रहे हैं। ओके, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है एक्चुअली एक्चुअली एक्चुअली, ठीक है। नहीं, अब समझ गए समझ गए। एंड ऑन 31st वी हैव अलका, वाइफ ऑफ मनोज कुमार सिंघानिया। एंड ऑन अक्टूबर देर इज ओनली वन वेडिंग एनिवर्सरी, इट्स बबली विथ अशोक सोनी सर। अशोक सोनी सर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन दिस मीटिंग। एंड एज गेस्ट वी हैव वीना गुप्ता, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ लॉयंस क्लब। वेलकम मैम, वेलकम इन दिस मीटिंग। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये चूंकि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है और ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डॉक्टर साहब देंगे, और व्हाट एवर द क्वेश्चन यू हैव वी कैन आस्क आफ्टर व्हेन द सेशन विल बी ओवर ऑफ डॉक्टर साहब। सो ओवर टू यू सर फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड काइंड वर्ड्स। थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोग हमारे इस ऑस्टियोपोरोसिस पर, आज ऑस्टियोपोरोसिस डे है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, इस हमारा कुछ वक्तव्य सुनने आप आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग साइलेंट बोन डिजीज बोलते हैं, और साइलेंट बोन डिजीज का मतलब हुआ कि ये आपको पता नहीं चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, एंड सडनली वन डे यू फाइंड दैट यू हैव फ्रैक्चर योर बोन, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ दी ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली है क्या? तो हम समझते हैं, अभिषेक जी जरा शेयरिंग कर दीजिए सबका। माउस दे देंगे तो हम, सर ऑलरेडी अलाउड है सर। है ना, ठीक है। तो हमारा क्या आता है, होस्ट डिजेबल पार्टिसिपेंट सीन शेयरिंग, सर लीजिए, हो गया हो गया। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू। तो ऑस्टियोपोरोसिस में एक्चुअली है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि हम ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी साइलेंट बोन डिजीज है जो हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करता है। और ऐसा होता क्यों है, तो पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको देता हूं कि जब हम हमारा बर्थ होता है उस वक्त से लड़कियों में 18 साल तक और लड़कों में 20 साल तक हम लोग का ग्रोथ पीरियड रहता है। जिस दिन हम लोग का ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ का जो बंद होता है, उसी दिन से हम लोग का एजिंग शुरू होता है। तो जैसे कोई धान की बाली है, वो खेत में उगता है, एक समय आकर के उसमें बाली निकलता है, फिर वो पीला पड़ जाता है, और पीला पड़ के जब पक जाता है तो फिर गिर जाता है। तो जब तक बाली बढ़ रहा है खेत में, तब तक उसका ग्रोइंग फेज है। द मोमेंट उससे बाली निकल गया और उसका हरापन खत्म हो गया, तो वो एजिंग होता है, एंड अल्टीमेटली वन डे वो गिर जाता है। सिमिलरली हमारे शरीर में जो बोन का जो मास है, वो जिस ग्रोइंग पीरियड में वो बढ़ता है, और एक समय आके जब हम लोग का ग्रोथ पीरियड बंद होता है, तो मैक्सिमम बोन मास, उसको बोलते हैं पीक बोन मास ऑफ द बॉडी, वो आपको 18 साल की उम्र में लड़कियों में और 30 साल की 20 साल की उम्र में लड़कों में वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है, दैट इज द हाइट। अगर कोई लड़का कुपोषित है तो उसका बोन मास कम होगा, अगर कोई लड़का अच्छा है, खाया पिया है, लड़कियां अगर उसका पोषण अच्छा रहा है, तो उसका बोन मास अच्छा रहेगा।
ये 30 साल की उम्र तक ये होता रहता है और 30 साल की उम्र के बाद फिर तब डिसेबिलिटी होना शुरू होता है, मीन्स की डिसबैलेंस होना शुरू होता है। इस पीरियड में जो हमारे शरीर में ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो नए बोन बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो बोन को एब्जॉर्ब करते हैं, तब पुराना बोन को हटा के नया बोन बनना शुरू होता है और ये दोनों प्रोसेस जो है से एक बैलेंसिंग के रूप में ये आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे लेडीज में खास करके पीरियड्स खत्म होने के बाद जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मीन्स की लॉस ऑफ बोन बढ़ जाता है एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी घट जाता है। उससे क्या होता है कि आपके शरीर का जो एक हड्डी था जो समझिए कि पेड़ा था, पेड़ा, और पेड़ा को दबाने पर वो मजबूत रहता है लेकिन जब वो धीरे धीरे करके कैल्शियम की कमी होने से बोन कमजोर हो जाता है और अल्टीमेटली वो बतासा जैसा हो जाता है। तो एक बतासा को थोड़ा भी प्रेशर दीजिएगा तो कुरकुरा जाएगा, जबकि एक पेड़ा को दबाइएगा तो नहीं दबेगा। तो ये सब को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे कि इट इज ए वेरी कॉमन सिचुएशन एंड स्पेशली इन वुमेन आफ्टर दी व्हेन दे स्टार्ट मेनोपॉज, ये पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेल्स में भी यही सिचुएशन होता है बिकॉज पीक बोन मास 20 साल के एज तक जो रहा उसके बाद 30 साल तक वो बैलेंस रहता है, 30 साल के बाद वो दिक्कत होना शुरू होता है एंड ये इतना सीरियस हो जाता है कि ए टाइम कंपनी स्नीज एक बार आप छींकिएगा उससे भी आपका बोन ब्रेक कर सकता है, इतना कमजोर बोन हो जाता है। तो अगर हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है तो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें आप पाएंगे कि ये जो नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है ये इतना मजबूत होता है जबकि ऑस्टियोपोरोसिस होकर के वो एकदम जालीदार हो जाता है और इसी को पोरोसिस बोलते हैं, पोरस ऐसा हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। एंड एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा खराब असर होता है नेक ऑफ फीमर, उल्टे की हड्डी, ऐसे ही देखिएगा ग्रैनी चलते चलते गिर गई टूट गया। पर ट्रिवियल ट्रॉमा विल लीड टू फ्रैक्चर, स्पेशली स्पाइन में क्या होता है कि धीरे धीरे करके फ्रैक्चर होते रहता है और आप पाएंगे जैसे जैसे लोग हम लोग एज्ड होते हैं खास करके लेडीज तो उनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, उनको देखिएगा कि उनका जो साया का जो लेंथ था वो बड़ा हो जाता है जस्ट बिकॉज की उनकी हाइट ही घट गई है बिकॉज ऑल द वर्टिब्रा बिकम्स फ्लैटन एंड ये ऑस्टियोपोरोसिस के चलते होता है। तो आप पाएंगे कि ये नॉर्मल सिचुएशन में एंड एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है। जब हम बढ़ेंगे आगे तो पाएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है लेडीज में पोस्ट मेनोपॉजल और दूसरा सेनाइल, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ कि बुढ़ापा के चलते, एज के चलते। तो मेल में सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है जबकि फीमेल में वो लोग भी एज होती हैं, तो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस प्लस पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस दोनों मिलकर के एक नॉर्मल फेनोमेना में हड्डी को कमजोर बना देता है एज यू एडवांस यू एज। ना दूसरा सब कारण सब जो है उसमें है कि बहुत से फैमिली में ऐसी हिस्ट्री होती है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप नहीं करते हैं एक्सरसाइज तो आपका बोन मजबूत नहीं रहता है, या आपका दुबले पतले शुरू से ही रहे हैं तो आपका एक्चुअल पीक बोन मास ही खत्म रहा है इसलिए आपको दिक्कत होती है, आप कैल्शियम कम खाते हो, धूप में कम जाते हो, विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब अलग बात है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एज स्टार्टिंग एट द मिड 30s बट मोर लाइकली विद एडवांसिंग एज। और कुछ बीमारियां हैं जिसके चलते भी बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाना, क्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाना और ब्लास्टिक एक्टिविटी कम जा जाना, ये सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस थायराइड के चलते होता है, हाइपरथायराइड के चलते होता है। और कुछ कुछ दवाइयां हम लोग जो खाते हैं, बहुत आदमी को गठिया के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है या कोई खास बीमारी हुई जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत मात्रा में दी जाती है जान बचाने के लिए, चाहे लेसिक्स नाम की दवा है जो हम लोग रेगुलर खाते हैं कहते हैं हार्ट के कंडीशंस में नदर्स, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे दवाइयां जो मिर्गी के लिए दिया जाता है टेग्रेटॉल अदर्स, ये सब मिल करके ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करता है। अगर हम पाएंगे कि भाई कैसे हुआ, हाउ कैन यू थिंक अब हमको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज है साइलेंट डिजीज, इट कैन नॉट टेल यू आई एम देयर, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर इन दैट एज ग्रुप यू मस्ट बी कॉशियस अबाउट इट। सबसे पहले तो हमको उसका एक जांच कराना चाहिए कि साहब आफ्टर मेनोपॉज
once you start your menopause and in more than 50 years in males, you must go for some test for the bone health, because it is very important. अगर इसकी कहते हैं अगर करा लेते हैं आप तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस को और बढ़ने से रोक सकते हैं. तो बहुत से तरीके हैं उसको जांच करने का, लेकिन अगर हम पाएंगे तो हम पाएंगे. देखिए ये मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ जो कि काफी इसमें ये है कि ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट कैसे बनता है, कि ये सब जानने की जरूरत नहीं है. केवल हम ये जानना यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि नॉर्मल बोन में जो सीमेंट लाइन है और ऑस्टियोआइट नया बोन फॉर्मेशन का ये सब होता है, जबकि नॉर्मल बोन में ऑस्टियोपोरोसिस में ये ज्यादा बढ़ हो जाता है, ज्यादा खाने लगता है. और ये देखिए ऐसा बोन मैट्रिक्स हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस में, ये एकदम कभी भी टूट सकता है. जबकि इस तरह का देखिए, और इसका जो ब्लड सप्लाई है ना, ये इसका ब्लड सप्लाई इसके अंदर जो ब्लड जाता है ये सब भी धीरे धीरे करके आपको कैल्शियम लेस कैल्शियम बोन आपको देना शुरू करता है और अल्टीमेटली आपका ऑस्टियोपोरोसिस और बढ़ते चला जाता है. ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन इस होता है, न्यू बोन बनता है. ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम गया तो आपका बोन कमजोर हो जाता है. नाउ हम इसको कैसे कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस, खाली कैल्शियम का जांच करने से आप ऑस्टियोपोरोसिस का पता नहीं लगा सकते हैं. आपने कैल्शियम जांच कराया, 9 grams है, 9 milligrams है, 9 to 11 नॉर्मल होता है आपका. अगर 9.5 है तो आप समझते हैं कि मेरा ऐसी बात नहीं है. आप किलो के भाव से भी ऑक्सीजन कैल्शियम खा लोगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बिकॉज आपको विटामिन D3 नहीं है, विटामिन नहीं है, डी नहीं है, तो आपका एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का नहीं होता है. अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन अगर आपका जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी अगर कम है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा है, तो आपको होगा. तो द बेस्ट थिंग अभी आज जो वर्ल्ड में है, WHO के द्वारा रिकमेंडेड जो मेथड है वो है, ये कहते हैं बोन डेंसिटी जांचने के लिए डेक्सा मेथड बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्मेट्री और DXA. दिस इज डेक्सा मेथड से जो ऑस्टियोपोरोसिस का जांच होता है वो सबसे अच्छा होता है. ऐसे बाजार में बहुत सारा ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम अल्ट्रासाउंड से भी करते हैं. अल्ट्रासाउंड से करने का जो है सो वो उतना अच्छा इसलिए नहीं होता है. अल्ट्रासाउंड का मतलब हुआ कि अगर कोई खोखला चीज पर एक तरफ साउंड प्रोड्यूस कीजिएगा तो रिटर्न होकर के जल्दी आ जाएगा, अगर सॉलिड पकड़िएगा तो थोड़ा देर लगेगा. इसी बेसिस पर वो ऑस्टियोपोरोसिस डिसाइड करता है. बट इट इज नॉट क्वांटिटेटिव, इट्स क्वालिटेटिव, मीन्स कि है या नहीं है. डेक्सा से क्या होता है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमको मिलता है ताकि हम उसको कर सकते हैं इस तरह से. जैसे इसमें आप पूरे बॉडी का आपका ये डेक्सा मेथड से यू कैन गेट दिस ऑस्टियोपोरोसिस रिकमेंडेड. एंड अल्टीमेटली हम उसके साथ सिंपल मेजर्स है इसका, और आप पाएंगे कि डेक्सा से जो यंग हेल्दी पीपुल में भी पता चलता है कि उनको चाहे ओल्ड पीपुल में मिला के कंपेयर कर सकते हैं. एंड यू कैन नो एज ये जो नॉर्मल जो कोई है स्कोर, मान लीजिए कि यंग 20 से 30 साल के लोगों का जो स्कोर है और ओल्ड पीपुल का जो स्कोर है, दोनों के बैलेंस को देख कर तो उसको टी स्कोर बोलते हैं. और टी स्कोर अगर 2.5 से नीचे है तो हम समझते हैं कि वो पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक है. एक तक उसको ऑस्टियो कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं एक के नीचे जाने पर. और अगर -2.5 हो गया इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हुआ. अब डेक्सा टी स्कोर भी आता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज एक से रहा तो नॉर्मल है, अगर बिटवीन 1 to 2.5 रहा तो ऑस्टियोपिनिया हुआ, लेकिन 2.5 से अगर बढ़ा इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो गया. और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर तो बढ़ जाता है, एंड स्पेशली स्पाइन में एंड नेक ऑफ फीमर में ये बहुत कॉमन होता है. तो कौन आदमी को जरूरत है डेंसियोमेट्री करने का? तो जो कोई भी अगर जागरूकता के आधार पर चाहते हैं कि हमारा जांच हो, हमको पता चले कि मेरा क्या पोजीशन है, खास करके 50 प्लस में लेडीज जो है, चाहे 60 प्लस में मेल्स हो, उनको कराना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारा बोन हेल्थ कैसा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर हेल्थ. देन इसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो पहले से कॉर्टिसोन खाए हुए हैं, चाहे उनको हाइपोथायरॉइडिज्म है, चाहे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, और एनी दवाइयां हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड सब खाए हुए हैं, तो हमें उसका उन पेशेंट्स को चाहिए
कि हम ऑस्टियोपोरोसिस का जांच कराएं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस पहले आने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस करने से ही अलग नहीं होता है। हमें अगर डायग्नोसिस कर लिया भी कि ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दवाइयां इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। सबसे पहला है कि हम उसको पेशेंट को एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब हुआ कि अगर आप किसी मसल को एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उसमें ब्लड सप्लाई टू द बोन बढ़ता है एंड अल्टीमेटली बोन में कैल्शियम डिपोजिशन बेटर होता है। बट इफ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं कर रही है या कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो बोन में जो ब्लड सप्लाई है वो घटता है एंड अल्टीमेटली आप नहीं कहते ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। दूसरा जो कारण आपके पास है, जैसे आप हाइपोथायराइड है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे कोई अदर मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे आपको CKD क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर उसके चलते आपको है प्रॉब्लम, उसका उपचार ज्यादा जरूरी है, अपने आप आपका ऑस्टियोपोरोसिस बेटर हो जाएगा। सो जो भी कोमॉर्बिडिटीज है, मीन्स की उसके साथ किस बीमारियां हैं, उसका भी इलाज इसीलिए जरूरी है कि आप केवल अगर आइसोलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो कैल्शियम, लोग बोलते हैं कैल्शियम खाएंगे, कैल्शियम का भी एक डोज होता है, दैट इज 1000 मिलीग्राम से मिलीग्राम से लेकर के 1200 मिलीग्राम पर डे WHO ने एडवाइस किया है कि आपको लेना चाहिए। और बहुत आदमी के पास दिमाग रहता है कि हम ज्यादा कैल्शियम ले लेंगे तो हमको स्टोन हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कि कैल्शियम जो भी आप लेते हैं वो आपके शरीर में, जैसे कि हमारा सन जो है वो हमारे स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, एंड ये विटामिन डी जो है सो लिवर में जाकर के हाइड्रोलाइज होता है, उसका नाम है 25-dehydroxycholecalciferol। वो फिर किडनी में जाता है, किडनी में फिर हाइड्रोलाइज होता है 1-5-dehydroxycholecalciferol। ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो इंटेस्टिन में आकर के पड़ा रहता है, और जैसे आप कैल्शियम खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है। अगर ये 1-5-dehydroxycholecalciferol आपके इंटेस्टिनल वॉल में नहीं रहेगा तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कैल्शियम लें, उसके साथ हमारा विटामिन डी का भी लेवल शरीर में ठीक रहना चाहिए। तो खाली कैल्शियम इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट ऑलवेज रिक्वायर्स द सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी विथ इट, एंड दैट इज नियरली कहते हैं 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम। हमारे यहाँ हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। अब विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण हो सकता है। तो विटामिन डी जो है अगर आप जांच कराते हैं तो नॉर्मली अप टू 20 माइक्रोग्राम जो है वो इनसफिशियंसी कॉज करता है, मीन्स डेफिशियंसी, डेफिशियंट है आप। 20 से 30 इज इनसफिशियंसी और 30 से 100 ये सफिशियंसी है। लेकिन अगर आप इंथुजास्टिक हैं, बहुत विटामिन डी खा रहे हैं, तो 100 से ऊपर अगर विटामिन डी होता है तो वो टॉक्सिक भी हो सकता है। इसलिए विटामिन डी का भी जो ट्रीटमेंट है उसको भी जुडिशियसली करना चाहिए, बिकॉज यू माइट लीड टू टॉक्सिसिटी ऑफ द विटामिन डी। एंड इसीलिए द बैलेंस बिटवीन टेकिंग ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी हैज टू बी जुडिशियसली डन, बिकॉज ये नहीं तो फिर आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। एंड लास्टली फिजिकल एक्टिविटीज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज सच एज वॉकिंग, घर बैठ के नहीं होता है। नाउ एक्सरसाइजेज में जिस तरह से दिखाया गया सब ट्रीटमेंट, सब खाना खाइए, दूध लीजिए, कहते हैं नट्स एंड फ्रूट लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, फिश लीजिए, एग्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए एंड सर्टेन साइट्रस फ्रूट्स लीजिए, और इधर एक्सरसाइजेज। एंड तब है कि ये पहला काम अगर आप कर लेते हैं तब हम डॉक्टर लोग आपको, अगर ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें कि एकदम फ्रैक्चर होने का चांस है, तब हम लोग आपको सोचते हैं कि किस तरह का दवाई दिया जाए। अब दवाइयां बहुत तरह का होता है, एक दवाई ऐसा है जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, एक दवाई ऐसा है जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोन को खत्म करने वाला बीमारी जो उसको रोकता है। तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रोकने वाला एक ग्रुप का ड्रग है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाने वाला एक ग्रुप ऑफ ड्रग है, एंड देन कैल्शियम एब्जॉर्ब हो ज्यादा उसके लिए अलग ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। तो देर आर सो मेनी ड्रग्स जो हम लोग बोलते हैं बिसफॉस्फोनेट्स है, बिसफॉस्फोनेट्स में वीक में एक बार खाया जाता है, मंथ में एक बार खाया जाता है, और साल में भी एक बार लिया जाता है। ये बिसफॉस्फोनेट्स ड्रग्स हैं
इसका भी अपना कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आज के युग में आज जो हम लोग देखते हैं इसमें मैक्सिमम 2-3 साल तक इसको देने से कोई हर्ज नहीं होता है। कभी कभी कुछ कुछ लोग लेडी पूछेंगे कि अगर मान लो कि हमें हार्मोन के डिसबैलेंस से ही हुआ है तो हम हार्मोन क्यों नहीं ले थोड़ा मोड़ा, ताकि हम लोग पहले जैसा बना रहे, उसको बोलते हैं HRT, हार्मोनल थेरेपी। नाउ हार्मोनल थेरेपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वो अच्छा तो लगता है, बेटर हो जाता है, लेकिन उससे ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस रहता है, इसलिए उसको हम लोग डिस्करेज करते हैं। नाउ अब क्या हुआ कि हम जो ड्रग्स हैं, बहुत से ड्रग्स हैं जिसमें कि ये आपको 20% ग्रुप का ड्रग है, देन प्रॉब्लम क्या है हमको, अगर मेरा किडनी खराब है या किडनी हमारा प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है, जितना उसका जो GFR है वो बहुत कम है, उस केस में हमको बहुत सी दवाइयां ऐसी है जो नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आपको हम टेरिपार्टाइट अगर देना चाहते हैं तो उसको सीरम क्रिएटिनिन जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कैल्सिटोनिन, इस्ट्रोजन और हार्मोन थेरेपी, HRT जो बोले हम आपको, दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट इसको स्टार्ट करने के पहले यू मस्ट बी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डॉक्टर, बिकॉज वो आगे चल के कुछ परेशानी कर सकती है। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए आपको बहुत सा ऐसा दवाइयां भी आया है जो कि इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं। इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है कि यह हार्मोन नहीं है लेकिन हार्मोन कैसा ही काम करता है, और उसको हम लोग लेडीज को देते हैं। लेकिन अभी WHO का एक आया है जिसमें कि काफी दिन तक इसको यूज करने से परेशानी थोड़ी होती है, बट इट डज नॉट कॉज कैंसर ब्रेस्ट और अदर्स, उसकी उसका इंसिडेंस बहुत कम है, इसको दिया जाता है। टेरिपार्टाइट एक पैराथायराइड हार्मोन है जो हम लोग देते हैं, बट इसमें यही एक जो है कि इसको हम लोग को कहते हैं यूज करना चाहिए, 3 मंथ्स तक हम लोग इसको सबकुटेनियस इंजेक्शन से देते हैं, लेकिन इसके यूज करने में भी हमको किडनी फंक्शन को जरूर देख लेना चाहिए, उसी के मुताबिक हम लोग इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसे डेली इंजेक्शन और एटलीस्ट सबकुटेनियस इंजेक्शन है जो कि 3 महीने से 2 साल तक हम लोग ले सकते हैं। नाउ यंग वुमेन एंड प्रेगनेंसी, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ 2 आदमी हैं, आप है और आपका बच्चा है, उस वक्त आपको कैल्शियम लेना चाहिए, आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहिए, बिकॉज आपके बच्चे को अगर कुपोषण होगा उसका पीक बोन मास बहुत कम होगा। इसीलिए अगर यंग वोमेन को, जिसको चाइल्ड बियरिंग एज में है, उसको हम लोगों को केयरफुली कोई भी दवाई देने में दिक्कत होती है। जैसे अगर हम प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स के पीरियड में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मैक्सिमम कैल्शियम देते हैं तो बच्चे पर उस पर असर खराब पड़ता है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी आ गया है, बिस्पोनेस ले रहे हैं, तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए। तो अगर कोई लेडी यंग एज में अगर ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करा रही हैं, तो अगर ये सब दवाइयां ले रही हैं, तो उसको पहले बंद करना होगा, देन आपको डॉक्टर से मिलकर के कि भाई अब हम प्रेगनेंसी ले सकते हैं कि नहीं, ये प्लानिंग करनी होगी, बिकॉज यू कैनॉट हैव दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि आपके बच्चे को भी असर कर सकता है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोगों को लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। एंड सम टिप्स है, जैसे कि आपको एनफ कैल्शियम 1000 से 1200 मिलियल लेना चाहिए, एनफ विटामिन डी होना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, अल्कोहल इंटेक अवॉइड कीजिए, एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जो बता रहे हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसका इलाज बहुत जरूरी है। और अगर आपको कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस है, तो अपने डॉक्टर से मिल करके इसको जरूर करिए कि साहब इसको रोकने का क्या रोकथाम है। एंड नेवर चेंज द डोज और स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विदाउट स्पीकिंग टू योर डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज बहुत आदमी कहता है कि हम 1 महीना दवा खा लिए बंद कर लिए। अरे भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे रोज आप खाना खाते हैं, आप चाहिएगा कि हम 1 महीना नहीं खाएंगे तो काम तो नहीं चलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन विटामिन एंड सर्टेन कैल्शियम का है, और अगर आप नहीं लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट और गलत इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। तो नटसेल पे अगर हम जाएंगे तो प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन ऑल वुमेन, दैट इज स्टॉप स्मोकिंग, टेक कैल्शियम, विटामिन डी, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, रिड्यूस अल्कोहल इनटेक, चेक योर रिस्क फैक्टर्स एंड देन मेडिकेशन। तो मेडिकेशन शुड बी टेकन एट द लास्ट रिसोर्ट, एंड अगर दिया गया है तो उसके बारे में सारी बात डॉक्टर से समझिए। तो पहला काम है
diagnosis, and DEXA method is the latest way of treating or diagnosing ये क्या नाम इसका osteoporosis. और सबसे important बात है कि अगर T score हमको 2.5 आया है तो हम 6 महीने अगर treatment के बाद फिर repeat करके देख सकते हैं कि वो मेरा कैसा रहा, बढ़ा कि घटा. तो हमें तब आइडिया होता है कि हमारे ट्रीटमेंट को और कितना दिन चलना चाहिए. तो यू मस्ट हैव ए फर्स्ट ऑफ ऑल ए बेंचमार्क कि यहां से हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं तो वेदर आई हैव डन गुड और आई हैव डन वर्स, आई हैव नॉट इम्प्रूव, तो ये हमें पता चलता है. इसीलिए व्हाट इज द बॉर्डर हेल्थ इंपैक्ट ऑन ऑस्टियोपोरोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ मोस्ट सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर. और आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जैसे हमारे प्रैक्टिस में 70+ 65+ लेडीज आती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस. और ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, ग्रैनी गिरी तब पैर टूटा या टूट गया तब गिरी, ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज खून इतना कमजोर है कि थोड़ा सा उसमें एक्टिविटी बढ़ा ग्रैनी गिर गई तो लोगों ने कहा गिरी है तब टूटा है, ऐसी बात नहीं है, पहले फ्रैक्चर हुआ तब गिरी है. तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, बट ऑस्टियोपोरोसिस इज वन थिंग विच इज रियली हम लोग को ट्रीट करना है. और हम लोग के प्रैक्टिस में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई लेडी आई है हमारे यहाँ या कोई जेंट्स आए ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर लेकर के, तो हमें हमारा गोल क्या है, ट्रीट द कंडीशन फर्स्ट एंड ट्रीट द पेशेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस सो दैट शी डोंट कम विथ fracture of the other side. So it's very important to make the patient and treat the patient on the lines of osteoporosis, which is the cause of her fracture or his fracture. So isliye the main goal of treating osteoporosis is to prevent fractures. And living with osteoporosis, isme hai, agar maan lijiye ki aap 80 years, 75 years mein aapko dikkat ho gayi hai, aapka spine bahut chhota dab gaya hai, aapko घुटना उठना में अगर हड्डी टेढ़ी हो गई है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो बहुत सा काम इंपॉर्टेंट है. वॉकिंग एड जरूर लीजिए, कोशिश कीजिए कि हम ले, क्योंकि अगर आप वॉकिंग एड नहीं लेते हैं और गिर जाते हैं तो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है. जैसे कि ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोटिक आप हैं, आप उसका इलाज भी चल रहा है, यू हैव ए रिस्क टू गेट अ फ्रैक्चर, देयरफॉर बाथरूम में एक कोई एड रखिए जिससे कि आपको पकड़ने में आसानी हो. बाथरूम बड़ा साइज का है तो उसको कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं अल्मीनियम का हैंड रेलिंग लगा लें. और भी सबसे आसान है कि एक मोटा रस्सी लेकर के नायलॉन का, उसको अपने बेड से लेकर के बाथरूम तक उसको बांधिए ताकि उसको पकड़ के आप गिरने का चांस कम रहे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जो आपका हैजार्ड्स है बाथरूम में, अगर जाने का कोई ठोकर है तो उसको दूर करिए या वहां पर ऐसा चीज रख दीजिए कि जाने में आपको दिक्कत नहीं हो. और कोई भारी चीज उठाने की कोशिश मत कीजिए बिकॉज उससे क्या होगा कि गिर गई आप, चाहे अगर आपका स्पाइन क्रैक कर गया तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ पेन डिफॉर्मिटी एंड समटाइम्स अगर बहुत सीरियस हुआ तो आपको दोनों पैर में कमजोरी भी आ सकती है जिसको लकवा बोलते हैं. नाउ जूता पहनने में भी बहुत आदमी को दिक्कत होती है तो बहुत झुक करके जूता पहनना होता है. बराबर कोशिश कीजिए ओल्ड पीपुल को कि स्लीपर्स जो अंदर चले जाए सीधा जाए, उसके में ये टाई अप करने का चक्कर नहीं है, झुकने का काम कम हो स्पेशली ओल्ड पीपुल में. सो अल्टीमेटली यही हम कहेंगे कि मेक श्योर एनफ कैल्शियम विटामिन बी इन योर डाइट, बी फिजिकली एक्टिव, डू वेट बेरिंग एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग ईच वीक, चेंज लाइफ स्टाइल चॉइसेस दैट रेज योर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू हेल्प डिक्रीज योर रिस्क ऑफ फॉलिंग. ये सब इंपॉर्टेंट चीज है. इसके लिए हम लोग ये हैं कि साहब ये इस तरह का नहीं हो, हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस से बचें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं. हमारे हम लोग डेक्सा मेथड के लिए बहुत ज्यादा इसको करते हैं. पटना में हम लोग डेक्सा के लिए मशीन बैठाए हैं और यहाँ पटना में एक दो जगह और भी होता है, लेकिन दिस इज द ओनली टेक्निक जिससे कि आप एक्यूरेटली ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी बातें पता चली ऑस्टियोपोरोसिस, ऑब्वियसली वी शुड टेक केयर. और ये वाला जो आपने बोला कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम गिर गए तो हड्डी टूट गया, तो ये डायग्नोस करना मुश्किल है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा. आप ऑस्टियोपोरोसिस से गिरे या गिरने से टूटा, ये डायग्नोस करना मुश्किल है.
थैंक यू सर। हमारे साथ इनर व्हील ऑफ क्लब ऑफ पटना के भी बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। इनर व्हील ऑफ पटना की जो क्लब प्रेसिडेंट हैं उषा सिन्हा, वो हमारे क्लब की मेंबर भी हैं, रोटरी क्लब के मेंबर हैं। वेलकम उषा मैम। अब थैंक यू अभिषेक जी। अब जिनके भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आप अनम्यूट करके प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब इज हियर टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। नमस्ते सर। हमारे बीच में बहुत सारी हमारी क्लब की मेंबर भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। कस्तूरी भाभी, आवाज जा रही है? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, हेलो हेलो। सुन रहे सर, ये पूछना था जो बोन डेंसिटी के लिए जो हमें जो टेस्ट कराना है, तो सर पूरे बिहार में से पटना में ही है? हाँ, पटना में। ओके सर, पटना में कहाँ पे होगा सर ये? पटना में एक जगह होता है हॉस्पिटल इंडिया में, दूसरा मेरे यहाँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। मैं 10 साल से अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, लेकिन मैं कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन खाती हूँ, जिससे मुझे बहुत रिलीफ है। डॉक्टर ने तो बोला था जो नी रिप्लेस कर देने के लिए, बट मैंने रिप्लेस नहीं कराया। बहुत डर लगता है मुझे रिप्लेस कराने से सर। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ और प्लस मैं इवनिंग वर्क भी बहुत करती हूँ। मैंने 10 मिनट इवनिंग वर्क जरूर मैं करती हूँ, और मॉर्निंग में एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, योगासन भी करती हूँ सर। तो कैल्शियम मैं सर हमेशा नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ वो 6000 का विटामिन डी जो है वो मैं वीक में एक बार लेती हूँ। इज इट राइट? हाँ सर। कितने दिन से ले रही है विटामिन डी? सर मैं 3 साल से तो ले रही हूँ सर, लेकिन वहाँ बीच में रोक रोक देती हूँ डॉक्टर ने। कंटिन्यूअस नहीं लेती हूँ सर। एक महीना लेती हूँ, फिर नहीं लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर बहुत तकलीफ होती है या ये हो, तो फिर डॉक्टर जीवेंदु से मैं दिखाती हूँ। मैं डॉक्टर जीवेंदु चौधरी हैं, मैं उनसे ही दिखाती हूँ, तो उन्होंने ही प्रेस्क्राइब किया था सर। ठीक है। 8 टैबलेट का एक डोज होता है। जी सर, जी सर, जी 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 सर। खा करके फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर कराइए, लेकिन आप समय समय पर विटामिन डी का भी जांच करा लीजिए। हाँ सर। मैं बताया कि 100 से ऊपर होने पर वो टॉक्सिसिटी भी करता है। जी सर, बहुत तकलीफ है मेरे पैर में, तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। बीच में तो इतनी तकलीफ थी सर, तो मैं चल नहीं पाती थी, लेकिन अभी मैं बहुत रिलीफ है। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हाँ मैं उसी में कोशिश करती हूँ। आपका प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस का नहीं है? नहीं सर, नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। यस सर, यस डेफिनेटली। ऑस्टियोआर्थराइटिस में चूंकि पेशेंट फुल वेट बेयरिंग नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पेन, वो सेकेंड ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। आपका जो प्रोसेसिस है, जो इम्प्लांट है जो लगेगा, उसको भी एक कोई भी मकान बनाने के लिए जमीन अच्छा चाहिए ना, तो दिक्कत होगा सर। तो फिर क्या उसका यही एक ही ये है जो उसको रिप्लेस कराना ही पड़ेगा सर? डर बहुत लगता है सर। देखिए देखिए, हमारे क्लिनिक में रोज 100-200 आदमी रहता है। मैं सबको कहूं कि आप जा करके किसी एक पेशेंट को पकड़ के ले आइए जो ऑपरेशन से नहीं डरता हो, इंक्लूडिंग डॉक्टर आरएन सिंह, तो सबको डर लगता है, लेकिन ऑपरेशन करते हैं ना, तो वर्स्ट कंडीशन ही है, इसलिए ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हम भी डरते हैं ऑपरेशन से, हम भी अपना 3-4 ऑपरेशन कराए, लेकिन डर तो हमको भी लगता है, तो ह्यूमन नेचर, तो आपको डर लगेगा, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि उससे कितना फायदा आपको है, कितना लॉस आपको है। अगर आप नहीं करें, देखिए बहुत आदमी कहता है नी रिप्लेसमेंट वाजपेयी जी का सक्सेसफुल नहीं हुआ,
तो कैसे होगा, पर वाजपेयी जी के केस में यही चीज हुआ, ही हैड ग्रॉस ऑस्टियोपोरोसिस एंड दैट ग्रॉस ऑस्टियोपोरोसिस में इतना प्रोटीन बोन था कि उस पर जो भी इम्प्लांट लगा वो 100 केजी के थे, 84-85 केजी के आदमी थे, जैसे ही बैठ खड़ा हुए वो धस गया। तो अभी मतलब कि समझिए कि दुनिया का जो सबसे बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन था ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में, वो आकर के किए थे, वो भी फेल कर गए। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट द सर्जरी इज रॉन्ग, इट इज द एनवायरमेंट एंड इट इज द सिचुएशन विच इज देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, आप बहुत दिन तक नहीं कुछ करिएगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी। डेफिनेटली सर, बट हम कोशिश करते हैं सर अपना वेट ठीक रखने के लिए। मैं 5'5" मेरा हाइट है और मैं 65 to 67 एक बात आपको मैं बता देता हूँ एज ए डॉक्टर, जब तक गाड़ी चलती रहे गराज में मत ले जाओ। हाँ सही बात है सर, मैं यही कोशिश करती हूँ सर, मैं यही कोशिश करती हूँ सर। डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू कम इन डॉक्टर। हाँ, सुशील हियर। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस में से पेन से कोरिलेशन है क्या इसका? हाँ है, ऑस्टियोपोरोसिस से पेन का रिलेशन ये है कि जब आप लेटे रहते हो तो आपके बोन पर लोड नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ग्रॉस ऑस्टियोपोरोसिस से सफर करते हो तो द मोमेंट आप खड़ा हो गए उस पर वजन दोगे तो बोन पर लोड पड़ने से दर्द होने लगता है। And this is a natural process, या फिर बैठ जाओ, इसीलिए उस पेन होता है, बोन पेन होता है। उसका टेंडन और लिगामेंट से क्या कोरिलेशन है डॉक्टर? टेंडन और लिगामेंट से ऑस्टियोपोरोसिस को टेंडन लिगामेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस इज द डिजीज ऑफ बोन, whereas ligaments आर द टू कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द टू बोन्स। फॉर एग्जाम्पल की थाई बोन और लेग बोन के बीच में क्रूसिएट लिगामेंट्स होते हैं, कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, तो ये लिगामेंट्स इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आपका चलना बाधित है, चाहे आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका लिगामेंट भी वीक होता है साथ साथ। सर लिगामेंट अगर स्ट्रॉन्ग रहना है रखे, उसके लिए क्या करें सर? फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल तो मैं बहुत करती हूँ सर, बहुत ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ, कोशिश करती हूँ जो करूँ। देखिए, ओवर डूइंग इज आल्सो नॉट गुड, बट व्हाटएवर इज पॉसिबल, आप अपने आप को मोबाइल रखिए। अगर अपने आप को आप क्या कहते हैं एक्टिव रखेंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा। वन ऑफ द रीजंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इनएक्टिव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। बोलिए सर, विटामिन डी के टेस्ट कितने दिन के गैप पर कराना चाहिए? कौन सी? विटामिन डी का टेस्ट कितने दिन के गैप पर कराना चाहिए? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट हो या विटामिन डी का हो, एवरी मंथ कोई फायदा नहीं है, 6 months पर रखना चाहिए। और अगर आप पहले आपको विटामिन डी की कमी रही है एंड यू हैव टेकन अ कोर्स ऑफ विटामिन डी, then end of the treatment पे एक टुकड़ा के देखना चाहिए कितना बढ़ा। डॉक्टर साहब, ये जो डेप्यूरा वगैरह जो आप बोले कि 8 का एक कोर्स होता है, तो डेप्यूरा के साथ सप्लीमेंट में आपको कैल्शियम भी लेना चाहिए क्या? हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है, डेप्यूरा के साथ कैल्शियम लीजिए चाहे नहीं लीजिए, आप फूड में कैल्शियम है, अच्छा। तो वो तो एब्जॉर्प्शन कराया है ना। हाँ। मैंने कहा कि विटामिन डी जो है वो चाहे आप ऊपर से लीजिए चाहे सन से ले, वो विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। वंस इट गोज इनटू द लिवर, लिवर में हाइड्रोलाइज होता है 25 डीहाइड्रोकोलिकैल्सिफ्रॉल, फिर वो किडनी में जाता है और किडनी में फिर 1-5 डीहाइड्रोकोलिकैल्सिफ्रॉल हाइड्रोलाइज होता है। ये 1-5 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफ्रॉल हमारे इंटेस्टिन में आके लगा रहता है, इसीलिए आप ये जो 1-5 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफ्रॉल है इसका बाजार नाम है कैल्सिट्रियोल। इसलिए आप देखे होंगे बहुत से विटामिन के कैल्शियम के टेबलेट में लिखा रहता है कैल्सिट्रियोल 2.5, 0.25, तो कैल्सिट्रियोल।
और अगर लीवर वाला जो है 1251 डिहाइड्रेशन प्रोटोकॉल जो है उसका नाम है अल्फा डॉल, तो बहुत से आपको टैबलेट मिलेंगे विटामिन कैल्शियम का, जिसमें कि कैल्शियम के साथ एडेड अप रहता है ये क्या नाम है इसका कैल्सिट्रियोन, इसीलिए आप पढ़ते होंगे सेल कैल 500, उसमें कैल्शियम अलग है एंड कैल्शियम सेल कैल सिटी, सेल कैल सिटी मींस इट हैज गॉट कैल्सिट्रियोन इन इट, सो इट इज द विटामिन एज वेल एज कैल्शियम एज वेल एज विटामिन डी। ओके ओके, इसलिए विटामिन डी को साथ लेने में कोई हर्ज नहीं है। तब है क्वेश्चन उठता है कि देर आर सो मेनी पेपर स्विचेस कि 20 फॉस्फोनेट्स अगर ले रहे हैं हम उसके साथ हमको विटामिन डी देना चाहिए कि नहीं, लेकिन उस पर ओपिनियन डिवाइडेड है। हम तो लिखते हैं, हम तो 20 फॉस्फोनेट्स अगर किसी को देना होता है तो उसको भी लिखते हैं, साथ में कैल्शियम विटामिन डी भी देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत। कभी कभी बोन पेन बहुत होता है अगर ऑस्टियोपोरोसिस में तो हम लोग डायरेक्ट कैल्सिटोनिन देते हैं, कैल्सिटोनिन इज ए वेरी गुड बोन पेन रिलीवर, तो हम लोग कैल्सिटोनिन देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का डिफरेंट ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टेज दैट द पेशेंट कम्स। कैल्सिटोनिन तो सर पैराथायराइड से आता है जी, तो पैराथायराइड से भी देने पर पैराथायराइड कैल्सिटोनिन देने से आपको ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी घटता है। ओके ठीक, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी घटेगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। हाँ हाँ, थैंक यू डॉक्टर। सर आई एम विनोद भांटी, एक क्वेश्चन है हमसे रिगार्डिंग माई वाइफ, she had breast cancer and then followed by she is diabetic, osteoarthritis and osteoporotic test hote rehte hain. My question is like counseling, because she was a very active lady earlier, but after this incident she has become shy. Abhi bhi she is listening the program but she does, and she has got spinal pain, supports to lenge, but I always say but she hesitates and saying no humko chhod do, leave me as such, and especially after the during the coring period, this COVID period jab isolation mein hai to pains bhi badh rahe hain, so kuch aisi counseling ka clinical, because she has become more like a clinical case, to kuch clinical counseling, because I know she is a perfect case for knee replacement also, but because of the other disorders it was not advised, to koi aur ऐसा क्या काउंसलिंग का कुछ मेथड है, बिकॉज़ पार्किंसन की बात कर रहे थे, उसके पहले का एक कंडीशन उसका नाम है ऑस्टियोपेनिया, मींस कि अगर आपका टी स्कोर लेस देन 1 है इसका मतलब ऑस्टियोपेनिक है, लेकिन एक कंडीशन और है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोमलेशिया को समझना है तो आप ऐसा समझिए कि एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती को गर्म सर्कमस्टांसेस में रखोगे तो वो टेढ़ा हो सकता है, पिघल जाएगा वो टेढ़ा हो सकता है, जबकि उसको अगर ठंडा जगह पर रखोगे तो टाइट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारा बोन जो है जब बनता है तो उसमें कैल्सिफिकेशन होता है, एंड कैल्सिफिकेशन लीड्स टू स्ट्रेटनिंग ऑफ एंड स्टिफनेस ऑफ द बोन, लेकिन अगर कैल्शियम की खाली कमी है, बोन का स्ट्रक्चर ठीक है, अगर कैल्शियम खाली कमी है तो वो पिघले हुए मोमबत्ती के साथ टेढ़ा हो जाता है। इसलिए आप पाते होंगे कि बच्चों में इसको कहते हैं रिकेट्स एंड एडल्ट्स में इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो देयर आर मेनी पेशेंट्स हु डू नॉट सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस बट दे सफर फ्रॉम ऑस्टियोमलेशिया, जनरलाइज बॉडी एक जनरलाइज बॉडी बोन पेन, एंड अल्टीमेटली आप पाएंगे कि उसको डिफॉर्मिटीज भी डेवलप हो जाता है। This is osteomalacia. So I think in both situations, a clinical examination is very important. And साथ में ये DEXA method से आप osteoporosis को rule out करके osteomalacia का treatment कर सकते हैं। Thank you sir. ये उन्हीं के लिए हम कर रहे थे this thing. तो हमने कहा कि thank you. हाँ नमस्कार डॉक्टर सर। हाँ क्या हाल है? हाँ एकदम ठीक है। बोलिए। First of all, I would like to compliment for the nice description of osteoporosis. Thank you, presentation, and also compliment to the president of this club too. बहुत अच्छा लगा, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली। मेरे भी एक दो क्वेरी है, एक तो क्वेरी का आंसर मिल गया कि कितने गैप पे हमको विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट करवाना चाहिए। वो तो बता मैंने पकड़ी जी।
और सेकंड सेकंडली जैसे कि अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि वो बहुत कॉन्शियस हेल्थ के लिए, मैं भी उस तरह काफी कॉन्शियस हूँ। 2 घंटा कम से कम दिन में पूरा मैं अपने एक्सरसाइज और योगा वगैरह पे पूरा देती हूँ, और इंस्पायर और कैल्शियम वगैरह का भी जैसे टेस्ट वगैरह बराबर रेगुलर करवाते रहते हैं, बट उसके बाद भी स्टिल मेरे को एक प्रॉब्लम है कि वॉकिंग के टाइम मेरे को शोल्डर में, यहाँ बैक में, उसके अंडरआर्म्स में पेन होती है समटाइम्स, और कभी जैसे झुकती हूँ तब भी होती है। अभी जैसे आज मैं बैठी हुई थी, अगर स्ट्रेट चेयर पे बैठती हूँ देन इट्स फाइन, अगर थोड़ा सा भी टिल्ट चेयर पे बैठ जाऊंगी, उसमें आधा घंटा भी बैठ जाऊंगी, तो ये पेन होनी मतलब टेरिबल पेन होती है, पर पेन प्रसिस्ट नहीं करती है, मतलब थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है। तो इज इट समथिंग सीरियस? और नहीं, अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस सफर नहीं कर रही हैं, अगर आप डेक्सा करा करके उसको देख लेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, तो आपका जो सिम्टम्स है ये मैकेनिकल बैकएक बोलते हैं इसको। मैकेनिकल बैकएक का मतलब कि हम लोग के रीढ़ की हड्डियां जो है ट्रेन के डिब्बा के माफिक अलग अलग सेगमेंट बना हुआ है, और ये सारे ट्रेन के डिब्बा के माफिक एक हुक के द्वारा पकड़ा रहता है, और ये पूरा एक ट्रेन के माफिक है। इसमें जो लिगामेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, वो कभी कभी जैसे आप एक पोजिशन में बैठी रह गई 3 घंटे, तो वो लिगामेंट स्ट्रेस रहता है। व्हेन यू चेंज द पोस्चर आपको थोड़ी देर के लिए पेन होता है, फिर वो सेटल हो जाता है। दिस इज नॉट ए मैकेनिकल, बिकॉज वो अगर कोई बीमारी के चलते रहता इट विल परसिस्ट इवन इफ यू चेंज योर पोस्चर, बट इफ यू चेंज योर पोस्चर अगर बेटर होता है, या कोई एक रॉन्ग लाइंग पोस्चर में से उठने पर, या लाइंग रॉन्ग सिटिंग के बाद बैठने पर, उठने पर, या चेंज ऑफ पोस्चर करने पर दर्द होता है, दिस इज नॉट ए मैकेनिकल बैकिंग। तो ऐसे तरह का पेशेंट अगर परसिस्ट करता है पेन, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रूल आउट कर दें अंडरलाइंग बोन पैथोलॉजी, एंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया। ये तीनों एक ही बीमारी के तीन ग्रुप है, नाम तीन है, कोई ज्यादा खराब है तो कम है, वो एक ही स्टेजिंग है इसका। तो उसको अगर रूल आउट हम लोग कर लेते हैं, तो आपको मैकेनिकल बैकिंग के नाम पर आपको इलाज किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर पोजिशन में, अगर अभी भी मैं सबको बताता हूँ कि अगर आप ऑफिस में काम करती हैं आधा घंटा 45 मिनट पर एक बार उठ करके खड़ा होकर घूम लीजिए, या अगर चलते फिरते कोई काम करने का है, काउंटर पर खड़े रहते हैं बहुत देर तक, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, थोड़ा चेंज ऑफ पोस्चर आपको बहुत जरूरी होता है। दिस इज मैकेनिकल सिचुएशन जी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी योगा आसन में। इसीलिए बोल रहे हैं ना, बिकॉज अगर आपको अदर मूवमेंट ऑफ द बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होती है, अब जब बैठ करके जब उठती हैं, चाहे चेंज ऑफ पोस्चर आफ्टर सर्टेन टाइम करती हैं, होता है, दिस इज मैकेनिकल। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। प्लेजर सर। सर एक रोट्रैक्टर है शुभम कुमार, जो हमारा रोट्रैक्टर पटना मिड टाउन है उसका मेंबर है। शुभम क्वेश्चन आप सीधे पूछो सर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो टाइप आपने किया है आप या तो पूछ लो, फिर मैं पढ़ के बताऊंगा सर को। शुभम आर यू देयर? यस सर, यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एक मेरा भाई है, उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, तो उसे सर दिक्कत ये है कि ठंड के दिनों में ना उसके साथ अक्सर ये परेशानी होती है कि उसका कमर और ये घुटने में ना बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, और फिर 3 से 4 दिनों में वो ठीक भी हो जाता है। क्या मतलब ठंडे के दिन में होता है? यस सर, ज्यादातर ठंड के दिनों में ही होता है, गर्मी में भी कभी कभी होता है, बट ज्यादातर ठंड के दिनों में ही होता है। तो एक कंडीशन होता है, नाम उसका रिएक्टिव साइनोवाइटिस, वो कभी कभी किसी चीज के खाने से आपका जो जोर के अंदर जो साइनोवियम है, जो तैलीय पदार्थ बनाता है जोड़ को मूवमेंट के लिए, उसमें कभी कभी रिएक्शन हो जाता है, रिएक्टिव साइनोवाइटिस बोलते हैं, जो 2-3 दिन रहता है वो ठीक हो जाता है, या किसी तरह के फूड खाने से भी हो सकता है, या किसी तरह के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। रिएक्टिव साइनोवाइटिस मोस्टली देखिएगा कि कोई डायरिया हुआ, डायरिया के 15 दिन के बाद उसको रिएक्टिव साइनोवाइटिस हो गया, आपका शरीर जो उस डायरिया के कीड़ा से लड़ने की जो क्षमता बनाई, इम्यूनिटी डेवलप किया, वो अपने शरीर पर गलत असर कर दिया। ये सारे चीज यंग लड़कों में, 17-18 साल के लड़कों में बहुत कॉमन होता है, उसको एक बार दिखा लेना चाहिए, वो अगर है तो उसका इलाज होना चाहिए, नहीं तो बार बार ये रिएक्टिव होने से साइनोवियम खराब हो जाता है।
और सैनिटी अगर खराब हो गया, तैलीय पदार्थ बनाने की क्षमता अगर घट गई तो जोड़ पर उसका असर होता है। यस सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर। किसी का और कोई सवाल? एनी मेंबर? लगता है सर अब कोई सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। सर सुशील सर, जी जी सुशील सर, ओवर टू यू। ये सब को अगर कुछ फायदा हो तो अच्छी बात। जी 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 सुशील सर, सुशील सर ओवर टू यू फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ थैंक यू अभिषेक। मतलब अब इतनी अच्छी जानकारी के बाद और इतना सारा क्वेश्चन आंसर सेशंस के बाद, अब डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने में भी मुझे बड़ा अजीब लगता है। डॉक्टर साहब धन्यवाद से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और फिर भी आप एज ए गॉड फादर आज रोटरी पटना मिड टाउन में हर वक्त हम लोगों के साथ रहते हैं। और मैंने तो बचपन से, मतलब रोटरी में बचपन से और रोट्रैक्ट में भी था, तब से आपका प्यार अपना तो देखा है और आप ही की छत्र छाया में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप बस अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखिए, इसी तरह से मीटिंग्स में आते रहिए, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, हम लोगों को अपना स्नेह प्यार देते रहिए और भगवान न करे किसी को हड्डी का दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा हाजिर रहते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आपका कितना स्नेह और कितना सपोर्ट रहता है कि हम लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बिजी आदमी कैसे समय निकाल लेता है, ये हम लोगों के लिए सीखने की चीज़ है। हम लोग तो टाइम वेस्ट करते हैं और आप इतना व्यस्त होने के बावजूद हम लोगों के लिए, क्लब के लिए, समाज सेवा के लिए इतना समय निकालते हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं है। हृदय से बहुत बहुत आभार। और रोटरी पटना मिड टाउन परिवार हमेशा आपका आभारी रहा है, आभारी है और आभारी रहेगा। बहुत बहुत नमन आपको, बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। बहुत जल्दी आपसे मिल सर बात करके, एक ये जो मुझे भी समझ में आ रहा है बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो जरूरी है और हमारे यहाँ तो जो मेंबर्स हैं उनको तो निहायत ही जरूरी है। और एक अभी इनर व्हील क्लब के जो मेंबर्स हैं दे विल आल्सो ज्वाइन, तो हम लोग एक कैंप करेंगे सर आपके यहाँ पे, जहाँ पे कि सबका कम से कम बोन डेंसिटी टेस्ट करा सके। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। उसको जल्दी से करा ही देना चाहिए सर सबको। सुधांशु जल्दी जल्दी से ही करा रहे हैं, जल्दी से करा रहे हैं। अभी जाते हो, अभी जो हमने मशीन बनाई है वो इंडिया का पहला मशीन है। अब क्या चक्कर है कि वो अभी जो इससे, इस मशीन से आपको बोन डेंसिटी के अलावे या पूरे शरीर में फैट का लेवल, आपका फैट का क्या क्वांटिटी है, दूसरा बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, सब पता चलता है। तो इस मशीन में अभी दिक्कत क्या हुई है कि कोई चीज गड़बड़ होता है तो इन लोग को अमेरिका से पूछताछ करना होता है। अभी मेरा एक मदर बोर्ड की कुछ बोर्ड में गड़बड़ी हो गई तो 15 दिन के लिए डिले हो गया। तो प्रॉब्लम तो यही तो है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा है कि नाउ स्टेथोस्कोप का जमाना गया, तो कब से स्टेथोस्कोप नहीं चले, मशीन ही सब काम करता है। थैंक यू वेरी मच। आज सर अभी मीटिंग में रुंगटा सर भी हैं, मैंने इसे आज उनका बर्थडे है सर। अच्छा अच्छा रुंगटा सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू टू ऑल। हां शुरू में हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।